नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि कैसे पता करें कि आपके बैंक ने आपके केसीसी खाते से आपकी फसलों का फसल बीमा किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों, उस वीडियो पर मेरे पास मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स आए। आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स किए कि सर प्लीज आप एक वीडियो बनाइए कि फसल बीमा का क्लेम कैसे मिलता है, कितने प्रतिशत फसल नुकसान होने पर PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हमें क्लेम मिलता है। साथ ही आप लोगों ने भी पूछा कि आप फुल डिटेल वीडियो बनाइएगा सर, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका आवेदन कहां पर करना होता है। कुल मिलाकर के आप लोग जानना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अगर हमें क्लेम लेना है तो उसकी पात्रता क्या है और उसका क्लेम हमें कैसे मिलता है, उसका क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी देने वाला हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आपको क्लेम कैसे मिलता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, उसका आवेदन आपको कहां पर करना होता है, आपको कितना क्लेम मिलता है, कितने प्रतिशत फसल नुकसान होने पर आपको क्लेम मिलता है, किन कारणों से फसल नुकसान होने पर आपको फसल बीमा का क्लेम मिलता है। दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले फसल बीमा का प्रीमियम काफी ज्यादा होता था जिससे सभी किसानों को इसे बियर कर पाना काफी मुश्किल होता था। साथ ही दोस्तों, इसमें एक कंडीशन और थी कि जिनका भी किसी भी बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC बना हुआ है उनको फसल बीमा लेना कंपलसरी होता था, यानी उन्हें फसल बीमा लेना ही होगा, यानी उनके खाते से फसल बीमा का प्रीमियम डेबिट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं है, इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है तब से इनके जो नियम शर्तें हैं उनमें बदलाव किया गया है। दोस्तों, पीएम फसल बीमा योजना के प्रीमियम की बात करें तो दोस्तों इसका प्रीमियम काफी कम हो गया है। जब से पीएम फसल बीमा योजना आई है तो इसके प्रीमियम में काफी ज्यादा कमी हो गई है। दोस्तों, अब क्या है, आप लोगों को रबी का 1.5% देना होता है। आपकी जो भी स्केल ऑफ फाइनेंस होती है यानी फसल की जितनी भी लागत होती है उसका 1.5% आपको रबी सीजन में फसल बीमा का प्रीमियम देना होता है। वहीं दोस्तों, खरीफ सीजन में इसे 2% आपको देना होता है, यानी खरीफ सीजन में आपकी फसल का जो भी फसल वित्तमान है आपके बैंक के द्वारा जो भी निर्धारित किया गया है उस फसल वित्तमान के आधार पर ही उसका 2% आपको फसल बीमा का प्रीमियम देना होता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप बागवानी का फसल बीमा कराते हैं तब दोस्तों उसमें आपको उसकी जो भी लागत होती है उसका कुल लागत का 5% आपको फसल बीमा का प्रीमियम देना होता है। साथ ही दोस्तों, इसकी जो दूसरी कंडीशन थी कि अगर जिनका भी KCC बना हुआ है तो उनको फसल बीमा लेना अनिवार्य है तो इसे स्वैच्छिक कर दिया गया है। जब से पीएम फसल बीमा योजना आई है तब से दोस्तों इसे स्वैच्छिक कर दिया गया है। अब अगर आपकी इच्छा है तब आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अपना फसल बीमा करवा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तब आप बैंक में जाकर के एक ऑप्ट आउट फॉर्म होता है उसे अगर आप बैंक में दे देते हैं तो बैंक आपके खाते से आपकी फसल का फसल बीमा नहीं करता है। तो दोस्तों, अब इसे स्वैच्छिक कर दिया गया है। अगर आपकी इच्छा है तो फसल बीमा कराइए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तब आप फसल बीमा ना कराइए। साथ ही दोस्तों, जब से पीएम फसल बीमा योजना आई है तो मैंने आपको बताया इसके प्रीमियम में भी काफी कमी हो गई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम आपको कब मिलता है, यानी PMFBY के लिए क्या पात्रता शर्तें रखी गई हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप KCC से बैंक से पैसा निकालते हैं और आपकी फसल का फसल बीमा किया गया है, या फिर आप KCC नहीं बनवाए हैं, आपने किसी भी CSC यानी लोकवाणी केंद्र से अपनी फसल का फसल बीमा करा रखा है, उस दशा में आप अपनी खेत में जब फसल बो देते हैं उसके बाद चाहे अतिवृष्टि हो जाए यानी अत्यधिक बारिश अगर हो जाती है, आपके खेत में जल जमाव हो जाता है, आपकी फसल खराब हो जाती है, या फिर दोस्तों बाढ़ आ जाती है, या फिर सूखा पड़ जाता है, या फिर दोस्तों ऐसा कोई तूफान आ जाता है, या फिर दोस्तों आपकी फसल में आग लग जाती है, या फिर बिजली के तार हैं आपके खेत के ऊपर से तो बिजली की तार की वजह से आपके खेत में आग लग जाती है, या फिर दोस्तों ऐसा कोई तूफान, अंधड़, बवंडर ऐसा कुछ आ जाता है, कुल मिलाकर के अगर आपकी फसल पर किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आ जाती है, या फिर दोस्तों मान लीजिए ऐसा कोई कीट है जो अचानक से आ गया और आपके पूरे क्षेत्र में आपकी फसलों को खराब कर देता है, जैसे कि एक बार टिड्डी का हमला हुआ था, उन स्थितियों में भी आपको PMFBY का क्लेम मिल जाता है। या फिर दोस्तों ऐसी कोई बीमारी आ गई जो कि नई बीमारी है जिसकी वजह से आपके क्षेत्र की, आपके खेत की फसलें खराब हो गई पूरी तरह से, तब दोस्तों आपको PMFBY का क्लेम मिल जाता है। तो दोस्तों, ये PMFBY की पात्रता शर्तें हैं। दोस्तों, दूसरी चीज मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जब आपकी फसल आपके खेत की 70% से अधिक खराब हो जाती है, यानी 70% से अधिक फसल अगर आपकी नष्ट हो चुकी है, तब दोस्तों आपको PMFBY का क्लेम मिल सकता है। अगर 70% से कम फसल आपकी खराब हुई है तब दोस्तों आपको PMFBY की तरफ से क्लेम नहीं मिलता है, ऐसा जो कि बीमा कंपनी है उनके द्वारा बताया गया है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि मैंने आप लोगों को जो ऊपर प्राकृतिक आपदाएं बताई हैं, अगर इनमें से किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से आपकी फसल खराब हो जाती है तब दोस्तों आपको उसकी कंप्लेंट कहां करनी है, आपको उसका आवेदन कहां पर करना है, कितने समय के अंदर करना है, वो मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं
कि उसकी कंप्लेन आपको कहां पर करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बाद में बता दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन में आपको गूगल में लिखना है PMFBY। दोस्तों जैसे ही आप PMFBY लिख करके सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। दोस्तों ये PMFBY लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ऑफिशियल साइट है। दोस्तों यहां पर आप राइट कॉर्नर में देखेंगे यहां पर लिखा है रिपोर्ट क्रॉप लॉस, दोस्तों आपको इसी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब दोस्तों आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं इसमें 18 ऐसी कंपनियां हैं जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से टाई अप है। ये भारत सरकार के द्वारा 18 कंपनियों को चिन्हित किया गया है और इन्हीं के द्वारा पूरे देश में फसल बीमा किया जाता है। तो दोस्तों इनमें से जिस भी बीमा कंपनी ने आपकी फसल का फसल बीमा किया हो उस कंपनी पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों आप इसे खिसकाएंगे, जैसे आप लेफ्ट की तरफ खिसकाएंगे तो दोस्तों ये देखिए यहां पर एक टोल फ्री नंबर आपको दिख जाएगा उस कंपनी का, साथ ही दोस्तों उसके आगे आपको ये ईमेल एड्रेस भी उस कंपनी का दिख जाएगा और उसके आगे आपको उनका एड्रेस भी दिख जाएगा कि उनका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो दोस्तों यहां से आपको इनका टोल फ्री नंबर नोट कर लेना है और इनकी जो भी ईमेल आईडी है ये भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों आपको ये कहां से पता चलेगा कि आपके खेत की फसल का फसल बीमा किस कंपनी के द्वारा किया गया है, यानी आपका जिस भी बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है या फिर आपने किसी भी प्राइवेट जगह से अपना फसल बीमा करवाया हुआ है यानी लोकवाणी केंद्र से कराया है, तो किस कंपनी ने आपकी फसल का फसल बीमा किया है। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने किसी भी लोकवाणी केंद्र या CSC सेंटर से करवाया है यानी आपने प्राइवेट तरीके से अपनी फसल का फसल बीमा कराया है, तब दोस्तों आपको जो उसका प्रिंटआउट मिला होगा, आपने जो चार्ज दिया है उसमें फसल बीमा की जो भी कंपनी रही होगी, जिस कंपनी को आपने वो चार्ज दिया है उसका नाम लिखा होगा। तो दोस्तों इन्हीं 18 में से कोई एक कंपनी होगी, तो दोस्तों वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि किस कंपनी के द्वारा आपकी फसलों का फसल बीमा किया गया है। वहीं दोस्तों अगर आपका किसी भी बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तब दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने बैंक जाना है और दोस्तों उनसे आपको पूछ लेना है कि मेरी फसल का फसल बीमा किस कंपनी के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आपको बता देंगे कि किस कंपनी के द्वारा आपकी फसल का फसल बीमा किया गया है। अब दोस्तों आपको मालूम पड़ चुका है कि आपकी फसलों का बीमा किस फसल बीमा कंपनी के द्वारा किया गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने आप लोगों को जो भी प्राकृतिक आपदाएं बताई हैं अगर उनमें से किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से आपकी फसल का नुकसान हो जाता है यानी आपकी फसल खराब हो जाती है, उस स्थिति में क्या करना है, आपको 24 से 48 घंटे के अंदर सबसे पहले आपको अपनी बैंक जाना है, जिस भी बैंक से आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है उस बैंक में आपको सूचना देनी है, एक लिखित सूचना देनी है, एक एप्लीकेशन बना लेना है और उसमें लिख देना है कि मेरा इतना खेत खराब हो गया है इस प्राकृतिक आपदा की वजह से। उसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को इस पोर्टल पर आना है, मैंने जो आप लोगों को अभी दिखाया यहां से आपको एक टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, इस टोल फ्री नंबर पर आपको कॉल करना है। दोस्तों जब आप कॉल करेंगे तो वहां पर आपसे वो आपका नाम पूछेंगे, आपके पिताजी का नाम पूछेंगे, आपका किस बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है वो पूछेंगे, उसके साथ में आपके KCC का क्या खाता संख्या है वो भी पूछेंगे, किस बैंक में आपका खाता संख्या है वो पूछेंगे, आपका बैंक किस जिले में है, उसके बाद शाखा का नाम क्या है यानी जो भी एड्रेस होता है उस शाखा का वो आपसे पूछेंगे, और उसके बाद में आपकी फसल कितने प्रतिशत खराब हुई है ये भी आपसे पूछेंगे। उसके साथ ही दोस्तों आपसे ये भी पूछेंगे कि आपकी फसल कितने एरिया में खराब हुई है यानी लैंड का कितना हिस्सा खराब हो चुका है। मान लीजिए अगर आपके खेत का 1 हेक्टेयर फसल है उसमें से आपसे पूछेंगे कि 1 हेक्टेयर में कितनी खराब हुई है, तो आपको बता देना है कि जितनी खराब हुई है उस हिसाब से आपको उनको बता देना है। आपके खेत का खाता संख्या पूछेंगे, आपके खेत का गाटा संख्या पूछेंगे, गाटा संख्या यानी खसरा नंबर जो होता है, ये सभी डिटेल्स आपको सही सही उन्हें नोट करा देनी है। अब दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं, अगर आप मेल कर सकते हैं तब दोस्तों उनका जो मेल एड्रेस उसी साइट पर दिया होता है वो मेल एड्रेस आपको वहां से ले लेना है। और दोस्तों अगर आप मेल कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी जो फसल खराब हुई है उसकी आपको 1 या 2 फोटो खींच लेनी है, उसके साथ में एक मेल आपको उस मेल आईडी पर भी कर देना है और दोस्तों वो जो फोटो आपने खींची है उन्हें भी अटैच कर लेना है, उस फाइल में आपको फोटो अटैच कर लेनी है और आपको अपना पूरा विवरण उस मेल में लिख देना है और उसके बाद उस कंपनी को मेल भी आपको कर देना है। दोस्तों इतना काम आपको 24 से 48 घंटे के अंदर ही कर देना है। सबसे पहले आपको अपनी बैंक में सूचना देना है जिस बैंक से आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, उसके बाद में आपको उस कंपनी के जो टोल फ्री नंबर है उस पर आपको ये सभी डिटेल्स दर्ज करा देनी है कि मेरी फसल खराब हुई है, मैं फला जिले का हूँ, फला प्रदेश का हूँ और मेरा फला बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। तो दोस्तों ये सभी डिटेल्स आपको उन्हें नोट करा देनी है, आपको एक मेल कर देना है। दोस्तों याद रहे ये 48 घंटे से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। जब भी आपकी फसल खराब हो, मान लीजिए ओलावृष्टि हो गई है, ओलावृष्टि अगर हुई है तो दोस्तों 24 से 48 घंटे के अंदर आपको ये जानकारी उस बीमा कंपनी के पोर्टल पर रजिस्टर करवा देनी है। वो आपकी एक कंप्लेन बनाएंगे और आपको एक मैसेज करेंगे, आप कंप्लेन नंबर मैसेज के माध्यम से भेज देंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप ये सभी जानकारियां सही से उन्हें नोट करा देंगे उसके बाद दोस्तों उनकी बीमा कंपनी का एक आदमी आएगा, वो सर्वे करेगा, वो देखेगा कि आपकी फसल वास्तव में कितने प्रतिशत नुकसान हुई है,
आपकी ही हुई है या आपके पूरे क्षेत्र की हुई है, वो पूरी चीज इसको बारीकी से देखेगा, किस प्राकृतिक आपदा से आपकी फसल बर्बाद हुई है ये चीज नोट करके वो ले जाएगा और सर्वे की अपनी रिपोर्ट लगा देगा। दोस्तों जब आपकी सर्वे की रिपोर्ट वो लगा देगा, उसके बाद में दोस्तों आपकी फसल जितनी खराब हुई है उस हिसाब से वो आकलन करेंगे और उसके हिसाब से आपके केसीसी खाते में ही वो पैसा ट्रांसफर कर देंगे, यानी आपको फसल बीमा का क्लेम मिल जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।